रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट चर्चा में है। ये रिपोर्ट युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के कथित उत्पीड़न से जुड़ी है। बताया गया है कि इस संस्था ने सैकड़ों पीड़ितों और गवाहों के इंटरव्यू करके एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आम नागरिकों के 900 से ज्यादा मामलों की डिटेल्स दी गई हैं। आरोप है कि बच्चे और बुजुर्ग समेत इन लोगों को युद्ध के दौरान मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, जिनमें से ज्यादातर मामले रूस के खिलाफ हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यूक्रेन में स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रमुख मातिल्डा बोगनर ने कहा कि इंटरव्यू देने वाले ज्यादातर लोगों ने बताया कि रूसी सैनिकों की हिरासत के दौरान उन पर अत्याचार हुआ और कुछ मामलों में यौन उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए। बोगनर ने कहा, ये अत्याचार इसलिए किया गया ताकि पीड़ित ये कबूल कर सकें कि वे यूक्रेनी सशस्त्र बलों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों को कब्जाधारियों की मदद करने के लिए मजबूर किया गया, साथ ही यूक्रेन समर्थक विचार रखने वालों को धमकाया गया। इस रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से मई 2023 तक 15 महीने का विवरण दिया गया है। इसमें यूक्रेनी बलों द्वारा मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने के 75 मामले भी शामिल हैं। बोगनर ने कहा कि जिन लोगों को यूक्रेन के बलों ने हिरासत में लिया, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भी अपने साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को आधिकारिक हिरासत केंद्रों में 87 रूसी सेलर्स के एक समूह को छोड़कर बाकी कैदियों से बात करने की अनुमति दी। बोगनर ने कहा कि रूस ने उनकी संस्था के अनुरोधों के बावजूद ऐसी कोई अनुमति नहीं दी।